हाय गाइस, ये मैं हूँ, ये मेरा दोस्त स्पर्श है और ये हमारी पारी हो। हे, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड वेल। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंटेंट घर में बैठे बन नहीं सकता है। घर में बैठे बैठे मैं कितना ही दिखा दूंगा आप लोगों को। तो आज मैंने अपने दोस्त स्पर्श से बात की कि उससे थोड़ा सा कंटेंट निकाला जाए, क्योंकि किसी काम का तो है नहीं वैसे वो, पर थोड़ा बहुत कंटेंट दे दे हमको तो अच्छा है। तो आज इस वीडियो में मैं उन लोगों के लिए एक ऐसी चीज लेके आया हूँ जिनका बजट बहुत कम होता है और उनको गेमिंग करनी है। बेसिकली मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज कि आप कैसे कम बजट में एक बहुत बढ़िया गेमिंग पीसी बिल्ड कर सकते हो। मैं नहीं दिखाऊंगा, दिखाएगा स्पर्श। स्पर्श को ज्यादा नॉलेज है इस बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ आज। सो स्पर्श चौहान, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि आप हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि एक अच्छा पीसी जो गेमिंग, एडिटिंग और भी बहुत कामों के लिए यूज हो सकता है, वो आप कैसे बना सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज स्पर्श, निर्मित का जो दोस्त, जैसे आप सब लोग जानते हो। बेसिकली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टीनेजर्स हैं, सारे के सारे टीनेजर्स को ऐसा लगता है कि यार हमारे पास एक कस्टम गेमिंग पीसी होना चाहिए। मतलब बेसिकली ऐसा होता है कि लोगों को पीसी चाहिए अच्छा दिखने वाला, और लोग पता है किस चीज से एसोसिएट करते हैं कि यार ये पीसी जो है ना देखने में बड़ा आरजीबी लग रहा है, मतलब उसके अंदर लाइटिंग्स है, अच्छा दिख रहा है तो ये अच्छा होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक अच्छा पीसी आपको ऐसा होता है कि आपको उसके अंदर आप गेमिंग भी कर सकते हो, आप उसके अंदर एडिटिंग भी कर सकते हो, और आप उसके अंदर स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो, और अपना डे टू डे डेली लाइफ के काम तो आप बड़े आराम से उसके अंदर कर सकते हो। तो मैं आपको आज कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ और अपना पीसी दिखाने वाला हूँ जो मैंने कस्टमाइज बनाया है, ताकि आप लोगों को पता लगे कि एक अच्छा पीसी कैसे बना सकते हैं जिसके अंदर आप गेमिंग, एडिटिंग और लाइव स्ट्रीमिंग और डेली प्रोडक्टिविटी सब कुछ कर सकते हैं। और हमारा ये वीडियोस बेसिकली उन लोगों के लिए जिनका बजट 50 to 55,000 है। सो स्टे ट्यून, मैं आपको अब दिखाता हूं कि मेरा पीसी कैसा है और उसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं। तो स्पर्श, आप हमारी ऑडियंस को कुछ अपने पीसी के बारे में पहले बताएं। तो मैं आप लोगों को बताता हूं अपने पीसी के बारे में। तो मैं निर्मित को कहूंगा थोड़ा सा पहले क्लोज है, एक क्लोजर लुक देता हूं आपको कंपोनेंट्स के बारे में पहले। तो ये हमारा कीबोर्ड है एंड दिस इज आवर माउस, और ये हमारा इसको मॉनिटर कहते हैं, एंड दिस इज आवर मेन कैबिनेट, हमारा मेन पावर हाउस ये है, इसको पावर हाउस कहते हैं हमारा। इसके अंदर के जितने भी डिटेल्स है मैं आपको अभी सब बताऊंगा। सो बेसिकली एक अच्छा पीसी बनाने के लिए जो लोग कस्टमाइज पीसी बनाना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिर से बताना चाहूंगा हमारा बजट यहाँ पे है 50 to 55,000, ठीक है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी ये है कि हमारी एक साइट है getmypcparts.com। तो बेसिकली वो साइट ये है, वैसे तो आप उससे अपने प्रोडक्ट्स भी खरीद सकते हो कंप्यूटर के, लेकिन उसका बेसिक मोटिव हमारा ये होता है, हम उसको जो है ना अपने बजट के लिए यूज करते हैं, क्योंकि वो जो है ना हमें कंपैटिबल चीज दिखाता है कि अगर आप ये वाला मदरबोर्ड ले रहे हो तो उसके साथ कौन सा प्रोसेसर चलेगा और कौन सी पावर सप्लाई चलेगी और उसका टोटल आपका क्या बन के आ रहा है आपका बजट का, तो वो आपको ये सब बता देता है। तो उस पे आप जाइएगा, आप लोगों को जो पीसी बनाना है, जो कंपोनेंट्स चाहिए, आप उस पे चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि क्या कंपैटिबिलिटी है और आपको कितना बजट बैठ रहा है, उसके ऊपर है नीचे है। बाकी मैं आपको बताता हूँ हमारा जो है, सबसे पहली बात हमारे जो एक्स्ट्रा पेरिफेरल्स हैं जिनको हम अपना कीबोर्ड, माउस, माउस पैड और हमारा जो मॉनिटर है, ये हमारे एक्स्ट्रा पेरिफेरल्स है। हमारा जो मेन पीसी होता है हमारा कैबिनेट का काम होता है, क्योंकि इसके अंदर हमारी सारी चीज है। जहां तक बात करते हैं मेरे पीसी के कंपोनेंट्स की, तो मेरे पीसी के अंदर सबसे पहले है 16GB रैम, DDR4 की हमारा है, कोरसेर की रैम स्टिक्स लगी हुई है, 8-8GB की दो रैम स्टिक्स है, तो टोटल 16GB की हमारी रैम है। और इसके अंदर ग्राफिक कार्ड है जोटेक का, एनवीडिया का 1050 Ti ओवरक्लॉक एडिशन। जो लोग पीसी बनवा रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि ओवरक्लॉक एडिशन 1050 Ti किसको कहते हैं। हमने यहाँ पे 1050 Ti का ग्राफिक कार्ड इसलिए लिया है बिकॉज चाहे आप कितने भी नए ग्राफिक कार्ड आ जाएं,
और आपके कितने भी नए गेम आ रहे हैं, फिर जो आपके पुराने गेम थे 1050 Ti जो हमारा था, चाहे फिर आप वो Asus का ले लीजिए, चाहे आप GeForce का ले लीजिए, चाहे आप Galaxy का ले लीजिए, मेरा Zotac का है, सारे AAA टाइटल्स आपके बड़े आराम से ओवर 60 FPS गेम आपके चल सकते हैं। आपका PUBG चल जाएगा, मैक्स सेटिंग्स में आपका PUBG चलेगा, और Valorant आपका अल्ट्रा सेटिंग्स में चलेगा, और आपका Witcher 3 चल सकता है, Crysis चल सकता है, बहुत सारे गेम है आपके, टूम रेडर, मतलब कितने जितने भी आप गेम सोच सकते हैं जो अच्छे गेम है, सबसे मोस्टली GTA जो लोग खेलते हैं, GTA 5 अल्ट्रा सेटिंग्स में आपका GTA 5 आपको ओवर 60 FPS देगा, एंड एनी गेम ओवर 60 FPS इट इज वेरी गुड। तो ग्राफिक कार्ड हमारा इसमें यूज हुआ है 1050 Ti ओवरक्लॉक्ड एडिशन 4GB वाला, ठीक है। हमारा मदरबोर्ड है यहाँ पे क्या वो गीगाबाइट का हमने मदरबोर्ड यूज करा है, और आपका देखना आपको ये होता है कि जो आप चीजें यूज कर रहे हो ना वो एक साथ कंपैटिबल होनी चाहिए। जैसे मेरा इसमें जो प्रोसेसर है ना, अब आप लोगों को अगर ऐसा पीसी बनवाना है जो कि गेमिंग भी कर सके, एडिटिंग भी कर सके, और आपके रोजमर्रा का काम भी कर सके, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग जाओ AMD के CPUs के साथ, क्योंकि AMD के जो CPUs होते हैं दे आर मच बेटर फॉर मल्टीटास्किंग एज कम्पेयर टू इंटेल की CPUs। बिकॉज अगर आप इसी सेम बजट में इंटेल का अगर लेना चाहोगे CPU, तो आपको i5 के लिए जाना पड़ेगा, और मैंने जो यूज कराया है वो है AMD का Ryzen 5 3200G। इसका बेसिक बेनिफिट ये है कि आप अगर ग्राफिक कार्ड भी नहीं लगा रहे हो ना, तो आपका Ryzen 5 3200 जो है वो आपका ये सारी गेम्स नॉर्मली भी चला लेगा, लेकिन अगर आपको और अच्छी परफॉर्मेंस और एडिटिंग और लाइव स्ट्रीमिंग भी करनी है तो आप ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो, और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये सब 50 to 55,000 के रेशो के अंदर आ जाएगी। अब मैंने टैग लाइन इसलिए दी है 50 to 55, इसके अंदर के कंपोनेंट्स की बात करें, कुछ लोग 8GB रैम में भी सफिशियंट है, कुछ लोग 16GB, कुछ 32GB, तो अब आप अपने हिसाब से उस 5000 के गैप के अंदर एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आपको रैम में एक्सटेंड नहीं करना तो अपनी मेमोरी में एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे मेरे यहाँ पे 2TB इंटरनल मेमोरी है, WD की इंटरनल हार्ड डिस्क है, और 120GB की SSD है। जिन लोगों को नहीं पता, SSD होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, इट इज मच मोर फास्टर देन HDD जो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। बेसिकली हमारा जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और जो फ्रीक्वेंट डेज पे आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो वो हम SSD के अंदर डालते हैं। SSD बेसिकली आपका हार्ड डिस्क का ही काम करती है, बट इट इज मच मोर फास्टर, तो आपका PC जल्दी स्टार्ट होता है, एप्लीकेशन जल्दी रन करते हैं, और इट इज मच मोर फास्टर, बेसिकली इसका यही काम है। तो आपकी मर्जी, अगर आप SSD लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, और वरना तो मेरे हिसाब से हार्ड डिस्क इज सफिशिएंट, क्योंकि लोग हार्ड डिस्क यूज करते हुए आ रहे हैं। अभी एक और नई चीज आने लगी है SSD से भी अच्छी है, M.2 आपकी एक अलग से एक नया आने लगा है डिवाइस, विच इज इवन मोर फास्टर देन SSD। तो लोग बेसिकली क्या करते हैं, लोग हार्ड डिस्क लेते ही नहीं है, लोग करते हैं SSD और M.2 का कॉम्बिनेशन। अगर आप बहुत सारा इन्वेस्टमेंट खाली अपनी स्टोरेज पे लगाना चाहते हैं तो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर अ हैवी M.2 या फिर हैवी SSD, 1TB की भी SSD आती है, एंड 2TB और एंड सो ऑन। उसके बाद हम बात करें पावर सप्लाई की, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लोग इस चीज को बहुत निगलेक्ट करते हैं। हमारी बेसिक जो अच्छी सबसे अच्छी पावर सप्लाईज आती है ना हमारी, या तो हमारी Asus की आती है, अदरवाइज जो सबको पता होगा Corsair इज द बेस्ट ब्रांड और चीपेस्ट ब्रांड अच्छी पावर सप्लाई के लिए। सबसे पहले जो मैंने आपको साइट बताई थी गेट माई PC पार्ट्स वाली, उसपे जो है ना, जब आप अपने सारे कंपोनेंट्स जो आप शॉर्टलिस्ट कर लोगे कि आपको ये चाहिए और ये वाला PC पार्ट चाहिए और ये वाला प्रोसेसर चाहिए, तो ये सब जो है ना एक पावर भी कंज्यूम करते हैं, तो उस पावर को कंज्यूम करने के लिए पावर सप्लाई भी करनी पड़ेगी। तो मेरी यहाँ पे जो है, मेरे कॉम्पोनेंट्स के हिसाब से मेरी जो पावर सप्लाई है वो है Corsair VS450। 450 वॉट की ये पावर सप्लाई है। अब इसका बेसिक रीजन मेरा ये था, मैं 500 वॉट भी लगा सकता था, 650 भी होती, 800, 1000 वॉट भी आती है, VS 1200 भी आती है। अब बात क्या है ना कि 450 एकदम एवरेज होता है, इसमें आपका GTX का 1050 Ti का ग्राफिक कार्ड भी चल जाएगा, आपका Ryzen 5 भी चल जाएगा, और आप अगर इसमें एक्स्ट्रा फैंस और LEDs और RGB स्ट्रिप्स लगाना चाहते हैं ना तो वो भी चल जाएगी। तो बेसिकली हम जो है ना, अपना जो PC है ना, हम अपना PC 20,000 में भी बनवा सकते हैं, 30 में भी, 40 में भी, यहाँ तक कि 10-10, 20-20 लाख के भी कंप्यूटर्स बनाते हैं लोग, लेकिन जब हमारा काम 50,000 में हो सकता है तो हम इतने ज्यादा और इतने कम में क्यों जाएं? अगर आप कम बनाओगे वो लैग करेगा, ठीक है ना, आपका सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, फिर आपको दिक्कत होगी कि आपने इतने पैसे भी लगाए और फिर वो चल भी नहीं रहा है,
अगर आप बहुत ज्यादा पैसे कर दोगे उसके अंदर इन्वेस्ट और आपको पता ही नहीं होगा कि उसमें से आपको निकालना है क्या, काम क्या करना है, तब भी आपके पैसे वेस्ट हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एक परफेक्ट पीसी चाहिए जो आपके गेमिंग भी कर सके, आपकी एडिटिंग भी कर सके, आपकी लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सके और डेली एक्टिविटी भी कर सके, तो 50 to 55,000 का गैप जो है, या फिर आप कुछ चीज एक्सक्लूड कर सकते हो, तो 45 to 50 मैं कहूंगा आपका ये एकदम ऑप्टिमल बजट है जिसमें आप इतना अच्छा पीसी बना सकते हो। और आप इसको भी कम कर सकते हो, उसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। मैंने जैसे अपने पीसी के अंदर जो है मेरा मॉनिटर 4K है, 4K मॉनिटर अगर आपको नहीं जरूरत है तो आप 1080p का मॉनिटर ले सकते हैं 60Hz का, ठीक है। मेरे यहाँ पे जो आप कीबोर्ड देख रहे हैं, मेरा कीबोर्ड मैकेनिकल है, जिनको पता है मैकेनिकल कीबोर्ड बहुत महंगा आता है, इट्स मतलब ऑन एन एवरेज 3-4 हज़ार रुपए का मिनिमल होता है मैकेनिकल कीबोर्ड। आप मेम्ब्रेन कीबोर्ड ले सकते हैं, आपको 500 to 1000 में आपको कीबोर्ड मिल जाएगा। मेरा रेड गियर का माउस है, दिस इज ऑल्सो RGB। हाँ, जो भी चीज यहाँ पे देख रहे हो वो RGB है, इसके अंदर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पैसा लगता है, तो आप इस चीज को एक्सक्लूड कर सकते हो नॉर्मल कीबोर्ड और माउस लेके। मेरे पीसी के अंदर जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं, लाइटिंग्स हैं, RGB लाइट्स है, RGB लाइट्स जस्ट फॉर दी एस्थेटिक्स, आप इनको एक्सक्लूड कर सकते हो, नॉर्मल पीसी चला सकते हो। तो क्योंकि आज आपका एक फैन आएगा कम से कम 500 रुपए का, जैसे मेरे यहाँ पे 3 फैन लगे हुए हैं और 2 LEDs लगी हुई है, तो दिस कॉस्ट अराउंड 2500 रुपीज, तो आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हो। तो आपका ऑप्टिमल बजट जो होगा वो 45,000 से लेके 50,000 तक का बड़े आराम से बन जाएगा, जिसके अंदर आपकी हार्ड डिस्क, SSD, ग्राफिक कार्ड और राइजन 5 आपका जो CPU है वो इंक्लूड होगा। बाकी इन नियर फ्यूचर अगर आपको करना चाहो अपग्रेड, तो अपग्रेड कर सकते हो, अपना मैकेनिकल कीबोर्ड ले सकते हो, या फिर बिना मैकेनिकल के मेम्ब्रेन कीबोर्ड आते हैं जो कि RGB भी होते हैं। सो ये बेसिकली एस्थेटिक्स के लिए है, आपका मेन बजट 45 to 50,000 है जिसमें आप अच्छा पीसी बना सकते हो। डिटेल्स मैंने आपको सारी दे दी है, थैंक यू। तो जैसे कि स्पर्श ने आपको बताया गेमिंग पीसी के बारे में, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर इस पीसी में चल सकता है, जरूरी नहीं है कि 50 to 55,000 ही। जैसे कि स्पर्श के कंप्यूटर में ये लाइट्स लगी हुई है इधर, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप एक्सक्लूड करके उससे थोड़ी सस्ती चीज खरीद सकते हो, कीबोर्ड थोड़ा सस्ता खरीद सकते हो, ये लाइटनिंग हटा सकते हो और बहुत सारी चीजें हैं। तो 45 टू 50 भी कर सकते हो, 40 मिनिमम टू मिनिमम 40,000 इज द बेस्ट। क्यों स्पर्श, स्पर्श से एक बार पूछ लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जरूरी नहीं है कि आपको मैकेनिकल कीबोर्ड चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपको RGB माउस चाहिए या आपको LED लाइट्स चाहिए अपने कैबिनेट के अंदर, आप नॉर्मली भी चला सकते हो, क्योंकि LED लाइट्स लगने से कुछ ऐसा नहीं है, उसकी खाली एस्थेटिक्स बढ़ते, काम उसका वही रहता है। बाकी अगर आपको इन्वेस्ट करना है, आप वो LED लाइट्स का और मैकेनिकल कीबोर्ड का पैसा आप लगा सकते हो अच्छा ग्राफिक कार्ड खरीदने में, या फिर ज्यादा और अपनी स्टोरेज साइज बढ़ाने में, या फिर आप अपना अच्छा मॉनिटर ले सकते हो। मॉनिटर की एक और चीज, आप कम रेजोल्यूशन का मॉनिटर लीजिए या फिर आप साइज कम लीजिए, जैसे मेरा 22 इंच का मॉनिटर है, कुछ लोग 24 इंच का ले लेंगे, 18 इंच का मॉनिटर भी काम करेगा, 20 इंच का भी, तो आपका ये वेरिएशन, ये आपका कस्टमाइज वेरिएशन है, आप इसको कैसे भी चेंज कर सकते हैं। तो 40,000 मान सकते हैं, बट नॉट लेस देन 40,000 एंड नॉट मोर देन 55,000। सो गाइस, मैं आपको एक और चीज बताना भूल गया, हमारा जो स्पर्श है ये बहुत सारी चीजें एक साथ करता है, काइंड ऑफ ऑलराउंडर है ये जिंदगी में अपनी, जैसे क्रिकेट में ऑलराउंडर होता है वैसे अपनी जिंदगी में ऑलराउंडर है ये। म्यूजिक भी करता है, मतलब गिटार सीख रहा है, गाना बहुत अच्छा गाता है, और आपका ट्रैवलर भी है, एडिटिंग भी, इसको कंप्यूटर के बारे में सब कुछ पता है, और जिमिंग का तो ज्ञान नहीं है, जिमिंग का ज्ञान तो मैं देता हूँ इसको, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको कुछ भी कंप्यूटर से रिलेटेड, इसके पार्ट से रिलेटेड और एक अच्छा पीसी बिल्ड करने से रिलेटेड स्पर्श से पूछना है, इसको कांटेक्ट कर लें, इसके इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो आप। क्यों स्पर्श? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको कुछ भी पूछना हो, चाहे वो एडिटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, या फिर वो ट्रैवल आइटनरीज हो, कौन सी प्लेस हो, बजट हो, या फिर आपका सिनेमैटिक्स हो, पीसी कंपोनेंट्स हो, पीसी पार्ट्स हो, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं और मैं बिल्कुल आपको वहां पे जवाब दूंगा। एंड लेट्स टॉक ऑन आवर इंस्टाग्राम, और मेरी ID डिस्क्रिप्शन में निर्मित दे देगा, अदरवाइज इट इज Sparsh2499। थैंक यू। तो इसको यहीं पे एंड कर देंगे हम ब्लॉग को। थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग इट टिल हेयर। इफ यू हैव लाइक द वीडियो, लाइक और डिसलाइक दबा दो, और एक बहुत जरूरी चीज, वो सब्सक्राइब का बटन दबा दो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, बाय।